नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर पालिका के अधिकारी कॉन्वेंट स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने नाप तोल शुरू की। नगर पालिका ने भवन निर्माण की अनुमति के संबंध में जानकारी लेने के साथ नाप तोल की, तो खाद्य विभाग ने स्कूल के बच्चों को प्रादेय किए जाने वाले पेयजल की पड़ताल की। उल्लेखनीय है कि 3 दिन पहले नगर पालिका परिषद कॉन्वेंट स्कूल और सेंट मैरी स्कूल को नोटिस जारी कर भवन निर्माण की अनुमति संबंधी सूचना देते हुए 25 जुलाई को जाँच करने की बात कही थी। नगर पालिका पूरी तरह तैयार होकर मौके पर पहुंची। JCB अतिक्रमण विरोधी दस्ता भी नगर पालिका के अधिकारियों के साथ था। स्कूल में प्रवेश करने के साथ नपती की गई। लगभग 10 फीट से ज्यादा सरकारी जमीन को दबाकर बाउंड्री बनाई गई। प्रबंधन ने मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया। संबंध में हम लोग को शिकायत प्राप्त हुई थी जी, तो उसके संबंध में जांच करने आए थे कि जो इनको परमिशन दी गई है उसके अनुकूल बना है या नहीं बना है जी। तो यहाँ पे कई अनियमितताएं मिल रही हैं, जिसको कि हमने नोट किया है जी। जो खुले स्थान छोड़ने चाहिए थे उन्होंने छोड़े नहीं हैं जी। और रोड की बाउंड्री के उसका भी अतिक्रमण किया है। तो इसके संबंध में कितनी बाउंड्री भारे सर? लगभग इनकी कम से कम 10 फीट आगे बनाई है। तो इस अतिक्रमण की कार्रवाई जैसे आप नगर पालिका शहर में करती आई और तुरंत एक्शन देखने को मिलता था, आज ऐसा नदारद क्यों हुआ सर? ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये पक्के भवन है, पक्के भवन के लिए विधिवत नोटिस जारी करना पड़ेगा इनको। आप जैसे इसलिए इसकी पहली कार्रवाई करते हुए पंचनामा बनाया गया है और इसके बाद इनको नोटिस जारी करके तामील की कार्रवाई की जाएगी। विजय रघुवंशी, विद्रोही की रिपोर्ट।